नमस्कार, मैं हूं देवांजनी मोइत्रा। बॉलीवुड में अपनी हॉट अदाओं से हर किसी का दिल धड़काने वाली करीना कपूर खान हमेशा ही अपने कपड़ों को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं। यूं तो करीना सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन मैडम के पास रहती है हर एक अपडेट। आज के टाइम में जहां हर एक बॉलीवुड स्टार सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, वहीं करीना सोशल मीडिया पर ना होने के बावजूद भी अपनी फोटोज को लेकर ना सिर्फ खबरों में बनी रहती हैं, बल्कि जमकर ट्रोलर्स का शिकार भी हो जाती हैं। वहीं हाल ही में जब किसी ने करीना को आंटी बोल दिया और उम्र के लिहाज से कपड़े पहनने की हिदायत दे डाली, तो बेबो का चढ़ गया पारा और उन्होंने ट्रोलर्स के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। दरअसल जल्द ही बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान का न्यू चैट शो पिंच ऑन एयर होने वाला है, जिसमें करीना कपूर से लेकर करण जौहर और सोनाक्षी से लेकर सनी लियोनी जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं। बता दें कि अरबाज के शो के ऑन एयर होने से पहले यूट्यूब पर इस शो का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया गया है। शो में अरबाज ट्रोलर्स पर बात करते हैं जो बिना वजह सेलिब्रिटीज पर गंदे कमेंट करते हैं। इसी दौरान करीना को एक यूजर का कमेंट दिखाया जाता है, जिसमें वो करीना को सलाह दे रही होती है कि अब आप आंटी हो गई हैं, टीनेजर जैसा बनने की कोशिश मत करो। इसके बाद करीना ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहती हैं कि लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि सेलिब्रिटीज की फीलिंग्स होती हैं, उनके भी इमोशंस होते हैं। वो सोचते हैं कि सेलिब्रिटीज एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की कोई फीलिंग नहीं होती, जिसके जो मन में आता है वो लिख देता है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब करीना ट्रोलर्स पर भड़की हो। इससे पहले साल 2016 में भी करीना ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दे चुकी हैं। बात करें करीना के प्रोफेशनल फ्रंट की, तो जल्द ही वो अक्षय कुमार के साथ फिल्म गुड न्यूज में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा वो करण जौहर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म तख्त में भी इम्पोर्टेंट रोल में दिखाई देंगी। वैसे आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।